के सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाली काशीराम कॉलोनी में रहने वाली सपा कार्यकर्त्री शहाना और भाजपा कार्यकर्त्री ज्योति आपस में पड़ोसन थी। बीते विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में अनबन हुआ करती थी और लगभग रोज ही मारपीट हुआ करती थी। इस बात को लेकर इनके घर सदर कोतवाली पुलिस, तहसीलदार सभी लोग पहुंचे और उन्होंने शहाना का घर चेंज कराकर काशीराम कॉलोनी के दूसरे ब्लॉक में करवा दिया, जबकि दबंग शहाना जबरदस्ती कॉलोनी के एक मकान पर कब्जा किए हुए है, मगर इससे कोई नतीजा हासिल न हुआ। कल देर शाम एक बार फिर शहाना और ज्योति आमने सामने आ गई और फिर चालू हुआ दे दनादन का खेल। दोनों में आपस में ऐसा गुत्तम गुत्था हुआ जैसे यह लोग ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने के लिए लड़ रहे हो। समाजवादी पार्टी को सहयोग करती थी और मैं भाजपा को सहयोग करती थी। ये आए दिन जब मैं शाम को फोनिंग करके आती थी, शाम को कहती थी जीते ही तो साइकिलिंग तो क्यों जोर लगा रही है, तेरा कोई फायदा नहीं है। कई बार इसने मुझे रोड पे घेरा भी, कई बार इसने घेरा, कई बार मेरे जिस दिन भैया जीते थे उस दिन भी इसने भैया इसने बच्चों को मेरे बन के ऐसे मारा था। वो तो बाहर खींच रही थी, पड़ोस वाली महिलाओं ने अपने घर में खींच लिया था, बंद कर लिया था कि जब उसकी माँ आएगी तब बच्चे निकलेंगे बाहर। मतलब इससे पुरानी रंजिश यही रख रखी है कि मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं होगी, तू इधर क्यों है। और उस दिन की घटना यह है कि मेरी बेटी दुकान पर गई थी आलू लेने के लिए, आलू लेने गई थी, उसने पीछे से जो है मतलब लिया और धारदार चाकू से मेरी चीज़ें ऐसे क्या चला दिया, ये वहीं फैल गई ले लिया, उसके बाद ये वहीं फैल गई लड़की। जब मेरे को किसी ने फोन करके लोगों ने बताया तो मैं देने गई उठाने गई उसको, तो इसने मेरे ऊपर भी मतलब आदमी और औरतें सब लगा के इसने मेरे ऊपर धावा बोल दिया, मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट करी। कुल मिला के लड़ाई चुनावी लड़ाई है, वो चुनावी लड़ाई है, चुनाव से ही लड़ाई है मुझसे। और मीडिया वाली है उनके घर से चाकू दिया इन्होंने, और चाकू देते इन्होंने मीडिया वाले के घर चाकू देते इन्होंने, और वहाँ से उनका लड़का और उनके आदमी है उन सब ने उनका सहयोग कराया है। और वो लोग ये लोग मेरी लड़की का गला पकड़े थे, मीडिया वाली का लड़का गला पकड़ के उसका पूरी तरह से मतलब फीस काम कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।